तो आप देख सकते हैं ये रहे वो तीनों रिश्वतखोर अधिकारी जिन्होंने बिल पास करने के एवज में रिश्वत ली थी। और आप देख सकते हैं मुंह को छुपा रहे हैं ये तीनों लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे थे, मुंह को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है ये, कोर्ट में पेश किया जा रहा है तीनों रिश्वतखोर अफसरों को। आप देख सकते हैं लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप इन पर लगे हैं, 12 लाख रुपए इनसे बरामद भी हुए हैं और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से। तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर सचिन से बात करेंगे, सर क्या कुछ जानकारी? बड़ी कामयाबी हाथ लगी, तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और जानकारी ये भी है कि लाखों रुपया घर से भी बरामद हुआ है जीएम के प्रदीप के। जी आज जो अरेस्टेड थे कल वाले केस में जीएम प्रदीप और बाकी उनके साथ दो अन्य जो थे मैनेजर और अजय अकाउंटेंट, उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और प्रदीप का जो है 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था हमारे द्वारा, ECB करनाल की टीम द्वारा, और हमने अपना पक्ष पुख्ता तरीके से जज साहब के आगे रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद जज साहब ने अब 2 दिन का पुलिस रिमांड हमारे को दिया है आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आगे पेश करें। सर 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे उसके बाद उनके घर से 70-72 लाख रुपए बरामद हुए हैं, वो भी रिश्वत का पैसा है? जो अभी कल 12 लाख रुपए प्लस जो बरामदगी थी इनके घर की, जब हमारी टीम ने दूसरी जगह पंचकुला से नियुक्त करवाई ACB ने, दूसरी हमारी जो ACB की टीम थी, तो वहाँ से 72 लाख रुपये जो इनके घर से 72,20,000 रुपये हार्ड कैश बरामद हुआ है। और अभी उनका सोर्सेज और जो अभी बाकी की पेंडेंसी है इन्होंने जो हमें बताई है उसकी रिकवरी के लिए रिमांड कॉल किया है और उसके बाद रेड के दौरान जो है ये नकदी से जो बैग भरे हुए थे फेंकने का प्रयास किया गया था कुछ ऐसा? जी ऐसा हुआ है, बाकी अभी आपको ठेकेदारों से राइस मिलर से पैसे लेते थे सर, वो अभी मिड्डा साहब पता करके फिर आपको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर शुरू की थी और तीन बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया था। हैफड़ के हैं और लाखों रुपए की रिश्वत ये ले रहे थे एक बिल पास करने की एवज में, और फिलहाल आप देख सकते हैं कोर्ट में पेश किया गया था और GM को फिलहाल यहाँ पर रिमांड पर जरूर लिया गया है और उनसे पूछताछ यहाँ पर जरूर की जाएगी ताकि और भी अन्याय मामले का खुलासा यहाँ पर जरूर हो सके। तो आप देख सकते हैं ये रहे वो तीनों रिश्वतखोर अधिकारी जिन्होंने बिल पास करने के एवज में रिश्वत ली थी। और आप देख सकते हैं मुंह को छुपा रहे हैं ये तीनों लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे थे, मुंह को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है ये, कोर्ट में पेश किया जा रहा है तीनों रिश्वतखोर अफसरों को। आप देख सकते हैं लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप इन पर लगे हैं, 12 लाख रुपए इनसे बरामद भी हुए हैं और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से। तो आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर सचिन से बात करेंगे, सर क्या कुछ जानकारी? बड़ी कामयाबी हाथ लगी, तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और जानकारी ये भी है कि लाखों रुपया घर से भी बरामद हुआ है जीएम के प्रदीप के। जी आज जो अरेस्टेड थे कल वाले केस में जीएम प्रदीप और बाकी उनके साथ दो अन्य जो थे मैनेजर और अजय अकाउंटेंट, उनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और प्रदीप का जो है 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था हमारे द्वारा ECB करनाल की टीम द्वारा, और हमने अपना पक्ष पुख्ता तरीके से जज साहब के आगे रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद जज साहब ने अब 2 दिन का पुलिस रिमांड हमारे को दिया है आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आगे पेश करें। सर 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे उसके बाद उनके घर से 70-72 लाख रुपए बरामद हुए हैं, वो भी रिश्वत का पैसा है? जो अभी कल 12 लाख रुपए प्लस जो बरामदगी थी इनके घर की, जब हमारी टीम ने दूसरी जगह पंचकुला से नियुक्त करवाई ACB ने, दूसरी हमारी जो ACB की टीम थी, तो वहाँ से 72 लाख रुपये जो इनके घर से 72,20,000 रुपये हार्ड कैश बरामद हुआ है। और अभी उनका सोर्सेज और जो अभी बाकी की पेंडेंसी है इन्होंने जो हमें बताई है उसकी रिकवरी के लिए रिमांड कॉल किया है और उसके बाद। रेड के दौरान जो है ये नकदी से जो बैग भरे हुए थे फेंकने का प्रयास किया गया था कुछ ऐसा? जी ऐसा हुआ है, बाकी अभी आपको ठेकेदारों से राइस मिलर से पैसे लेते थे सर, वो अभी मिड्डा साहब पता करके फिर आपको। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर शुरू की थी और तीन बड़े अफसरों को गिरफ्तार किया था। हैफड़ के हैं और लाखों रुपए की रिश्वत ये ले रहे थे एक बिल पास करने की एवज में, और फिलहाल आप देख सकते हैं कोर्ट में पेश किया गया था और GM को फिलहाल यहाँ पर रिमांड पर जरूर लिया गया है
है और उनसे पूछताछ यहाँ पर जरूर की जाएगी ताकि और भी अन्य मामले का खुलासा यहाँ पर जरूर हो सके।